केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि विधानसभा चुनाव कौन लड़ेगा या नहीं, ये नीतिगत फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है। यदि वो किसी मंत्री को आदेश देगा कि उसे चुनाव लड़ना ही होगा, लेकिन ये बात तय है कि पार्टी जो काम सौंपेगी उसे पूरी ईमानदारी, निष्ठा और उत्साह के साथ करेंगे। जहां भी काम करेंगे लक्ष्य एक ही होगा, भारत माता की सेवा। चुनावी राजनीति ही एकमात्र सेवा का साधन नहीं है। भाजपा विचार आधारित पार्टी है, इसलिए इसका आज तक विघटन नहीं हुआ। कांग्रेस के कई वर्जन आ गए, भाजपा का एक ही वर्जन है, क्योंकि हम विचारधारा आधारित पार्टी हैं। वसुंधरा राजे से संबंधित पूछे गए प्रश्न में शेखावत ने कहा कि वह मेरी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, दो बार प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं, हम सबकी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड जो हमारी प्रतिनिधि संस्था है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय नेता ये तय कर दे कि किसी सांसद को चुनाव नहीं लड़ना है, तो उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह हो सकता है। अगर ये तय कर दे पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये तय कर दे कि गुजरात की सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों को बदल दिया जाए और बाद में उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी नहीं देंगे, ये तय कर दे, इसमें कहीं कोई किसी तरह की आवाज आपको सुनाई देती है? अगर ये तय कर दे कि मंत्रियों को चुनाव लड़ना है, तो आपकी इच्छा हो और नहीं हो तो भी चुनाव लड़ना है, आदेश है, तो इसमें कहीं किसी तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जिनका विशेष अधिकार है वो तय कर देंगे कि गजेंद्र सिंह को या किसी और मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़ना है या लोकसभा का चुनाव लड़ना है या दोनों ही चुनाव नहीं लड़ना है, संगठन में जाकर के काम करना है। और हमारे तो उसके ऊपर भी जो हमारा परिवार है, जिस विचारधारा से हम आते हैं, हमारा विचार परिवार है, वो ये तय कर दे कि अब गजेंद्र सिंह जैसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता जो है वो सेवा भारती में ज्यादा है तो वहां जाकर के काम करे तो वहां जाकर के करे। लेकिन इतना तय बात है कि जहां भी काम करेंगे वहां इसी उत्साह से करेंगे, इसी उमंग से करेंगे, इसी जो है अपेक्षा से करेंगे, इसी ऊर्जा के साथ में करेंगे। और वो इसलिए करेंगे क्योंकि जहां भी काम करेंगे ना वहां लक्ष्य एक ही है और वो है भारत माता की जय।